तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 मिनट में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर पहुंच गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, गीजर का मांग जो है ज्यादा होता जा रहा है और आप भाइयों के मुझे ढेर सारे कमेंट मौसूल हो रहे हैं और उसमें सिर्फ यही बात होती है कि गैस का इंस्टेंट गीजर बनाओ और गैस का चूल्हा बनाओ, क्योंकि गैस का ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना जो है काफी मुश्किल होता है और इसीलिए आपको यूट्यूब पे खुद का बनाया हुआ गीजर ऑटोमेटिक नहीं मिलता। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को ऑटोमेटिक बनाया हुआ गीजर इस वीडियो में मिल जाएगा और आप अपने घर में खुद भी बना सकोगे। और इस गीजर में हम जो जो चीजें भी इस्तेमाल करेंगे उसमें जो चीजें ऑनलाइन मिलती है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो लोकल मार्केट से मिलती है वो आप अपने एरिया में लोकल मार्केट से ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस गीजर बनाने में जो है हम दो चीजें इंस्टेंट गीजर से लेंगे, जो कि एक ये वाल है मैग्नेट और एक जो है इसकी ये सप्लाई किट है जिससे जो है आपकी स्पार्किंग होती है और ये वाल ऑन ऑफ होता है। तो ये दो चीजें जो है हमको मार्केट से लोकल किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। ये सप्लाई किट जो है आप किसी भी लोकल मार्केट से 350 से लेकर 450 रुपए तक मिल जाएगा और ये वाला जो मैग्नेट वाल है ये भी आप लोगों को यही 350 से 400 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो ये दो चीजें हम इंस्टेंट गीजर से इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा जो कि लोकल मार्केट से आपको किसी भी जगह से मिल सकती है। और इसके अलावा हम एक 15 लीटर का ये सिलेंडर यूज करेंगे, ये आपको किसी भी फ्रिज वालों से 350 से 400 रुपए का मिल जाएगा। तो इस तरह आपने एक सिलेंडर ले लेना है और एक आपने इस तरह 100 इंच का पाइप ले लेना है और पाइप आपने इतना लेना है कि इस सिलेंडर से कम 3-4 इंच लंबा हो। और इसके साथ हमें दो पाइप चाहिए होंगे आधी वाले, जो कि इस गीजर के इनपुट और आउटपुट के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने यहाँ पे 100 इंच पाइप के लिए सुराख कर दिया है और यहाँ पे भी मैंने आधी के लिए सुराख किया है और यहाँ पे भी मैंने आधी के पाइप के लिए सुराख किया है और इसकी दूसरी साइड पे मैंने ये 100 इंच का जो पाइप है इसको मैंने यहाँ पे निकाल देना है। तो इस तरह आपने इसको यहाँ पे वेट कर देना है। अगर आपने गैस वेट से करना है या दूसरी वेट से करना है तो आपकी मर्जी है और यहाँ से भी आपने इसी तरह वेट कर देना है। तो आधी वाली पाइप जो है आपने एक लंबा पाइप ले लेना है और एक छोटा लेना है। जो लंबा पाइप है इसको हमने आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना है और जो छोटा पाइप है इसको हमने इनपुट वाला इस्तेमाल करना है। तो उसका वजह यह है अगर हम दोनों पाइप छोटे लगाएंगे तो फिर यहाँ से पानी इन होगा और यहाँ से आउट होगा और हमारा जो टैंक है वो अंदर खाली रहेगा। तो आउटपुट पाइप हम इसलिए लंबा लगाते हैं ताकि हमारा टैंकी पुल हो जाए और पुल होने के बाद हमारा आउटपुट पानी निकलना शुरू हो जाए। तो ये एक थोड़ा सा इसमें टेक्निक होता है गीजर में, बाकी इसमें कोई लंबा सिस्टम नहीं है। तो चलिए इसको मैं जल्दी जल्दी से वेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को अगला प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो गीजर हमारा तैयार हो चुका है और इसके दोनों साइड मैंने वेल्ड कर दिए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसका वेल्डिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ऑयल का एक डब्बा लेना है और ऑयल पेंट को थोड़ा सा मिक्स करके और इसके पाइप में से अंदर करके और इसमें अंदर जो है गोल गोल घुमा के इसको अंदर से सब साइडों से रन कर देना है। अगर आप इसमें पेंट नहीं करते तो इसका पानी जो है हमेशा जंग निकलेगा, क्योंकि ये इस तरह लोहा है कि ये डायरेक्ट जंग पकड़ता है। तो इसमें आप लोगों ने पेंट लाजमी डालना है और इसमें रंग डालने के बाद जो है आपने इसको हर साइड पे इस तरह घुमा लेना है ताकि ये जो पेंट है ये इसमें अंदर फिक्स हो जाए। तो अभी इसको हम 24 घंटे के लिए रख लेते हैं और 24 घंटे बाद जो है हम इसका फुल टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए फिलहाल इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ और गैस का जो फिटिंग है वो करने का तरीका आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो अभी इसकी फ्लेम बनाने के लिए जो है हमें इस तरह का एक बैंड चाहिए, ये आधी का है और इसके ऊपर आप इस तरह का छोटा सा पेपनीपल लगा दे और इसको ऊपर से जो है आप बंद कर दे। तो अगर पेपनीपल की दोनों साइडों पर छुड़ी है तो आप टूफी वाला स्टाफर भी लगा सकते हैं या आप इसके ऊपर कोई पतरी बैंड भी कर सकते हैं। तो इसको इसमें इस तरह लगाने के बाद जो है आपने इसमें सराहें करनी है। तो इसमें जिस तरह मैंने निशाने लगा दिए हैं उस निशानों के मुताबिक आपने इसमें सुराखें करनी है और सुराखें भी इतनी छोटी छोटी करनी है। तो ये आप बर्मा देख सकते हैं। तो ये जो छोटा सा रंग मिलता है इसका ये जो सर है इसके सर के बराबर ये बर्मा है। तो इसके मुताबिक आपने इसमें सुराखें करनी है। तो इसमें टोटल 20 सुराखें आपने करनी है। तो दोस्तों काफी मस्त तरीके से जो है हमारा बर्नर तैयार हो चुका है और अब सिंपली मैंने इसके ऊपर वाला साइड जो है ये बंद करना है, इसके ऊपर मैंने कोई चीज वेट कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब गैस का वाल बना लेते हैं। तो ये गैस का मैग्नेट वाल है और इसका अगला हिस्सा बनाने के लिए जो है हमें इस तरह का एक गैस नोजल चाहिए और इसके साथ जो है हमें इस तरह का कोई पतरी चाहिए। तो इसको हम इसके ऊपर फिट करेंगे और इस पतरी को जो है इसके बराबर काटेंगे। तो इसको मैं काट लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों सारे चीजें तैयार हो गई है। इस प्लेट में जो है मैंने यहाँ पे भी सुराख किया और यहाँ पे भी सुराख किया और सेंटर वाला सुराख भी हो गया। तो अब जो है हमने इसको सिंपली वेट करना है और इस नोजल में मैंने यहाँ पे भी सुराख किया और ये वाला पाइप जो है हम इसमें इस तरह वेट करें। सारी चीजें कम्प्लीट हो गई है। अब मैंने जो है इसको आप गैस वाले चूल्हे पे भी गर्म कर सकते हैं और या अगर आपके पास इस तरह का चूल्हा है तो आप उसके ऊपर भी गर्म कर सकते हैं या अगर आपके पास हैवी काव्या है तो काव्या के जरिए भी आप इस पेपर टांके लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे इस तरह वेल्डिंग कर लेता हूँ। इसको मैं चूल्हा ऑन कर लेता हूँ
और जैसे ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने इसके ऊपर काविया वाला जो तार है वो मैंने इसके ऊपर साइडों पे लगा देना है, तो वो इसके ऊपर पिघल जाएगा और ये इसके ऊपर फ्लेक्स बैठ जाएगा। तो ये हमारे पास काविया का तार है, गर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो गैस यहाँ पे हमारा जो नोजल है वो इसके साथ अच्छी तरह से वेल्ड हो चुका है, और अब जो है इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर देखना है कि क्या ये वाकई इसके साथ वेल्ड हुआ है या वैसे पड़ा है। तो गैस बहुत अच्छी तरह से वेल्ड हो चुका है, और ये काविया का वेल्ड है, आप लोग देख सकते हैं काविया का तार है। तो इसको इस पर लगाने से पहले जो है मैं इसे ये दो कोने काट लेता हूं ताकि ये जो दो पेच है ये साइड पे बाहर निकल आए, और फिर हम इसमें यहाँ पे और यहाँ पे दो पेच टाइट कर दें। और इसके लिए आपको कोई वॉशर भी लगाना पड़ेगा, जो कि आप किसी टायर के ट्यूब से या किसी और चीज से काट के इसमें वॉशर लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गैस वाल के लिए मैंने एक वॉशर काट दिया है, और इसके अलावा हमारा ये जो इसके ऊपर वाली पतरी है ये अच्छी तरह से वेल्ड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया है, और इसके बीच में मैंने वॉशर भी लगा दिया है, और इसका लीकेज भी मैंने चेक किया है तो इसमें कोई लीकेज नहीं है। तो ये हमारा गैस वाल्व जो है तैयार हो गया है, और अभी इसके बाद जो है हम स्पार्किंग का सिस्टम तैयार करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि इसमें जो है हम इंस्टेंट गीजर का ये किट इस्तेमाल करेंगे, जो कि उसकी सप्लाई होती है। तो इसमें तीन तारे होती है मोटी मोटी, जिसमें ये दो स्पार्किंग के लिए होती है, और ये तीसरा जो है ये आग को सेंस करने के लिए होता है कि आग ऑन है या नहीं। और दूसरी साइड पे जो है इसमें दो किस्म के आते हैं, एक किस्म का एलसीडी वाला होता है और एक किस्म का बगैर एलसीडी वाला होता है। ये तो जो मेरे पास है ये बगैर एलसीडी वाला है। और दूसरी साइड पे जो है आपको इसमें इस तरह की तारे मिलेगी कि इसमें जो है जिसको इस तरह क्लिप लगी होती है यह सिलो के तारे है, तो इसको आप दो सिल बड़े लगा सकते हैं या 3.7 वोल्ट का एक सिल आप इसके साथ लगा सकते हैं। और इसी तरह इसके साथ एक और क्लिप है जिसमें एलईडी जिसमें लाइट लगा होता है, और इसी तरह इसमें दो क्लिप और है जिसमें एक जिसमें तीन तार वाला क्लिप है। ये हमारा गैस का जो वाल है इसके लिए है, तो तीन तार वाला क्लिप हम इसी में लगाएंगे, और इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही क्लिप रह जाता है जिसको ऑन ऑफ करने का बटन भी आप कह सकते हैं या ऑन ऑफ करने का स्विच भी कह सकता है। और इसमें एक ये अर्थ वाला तार है, इसको आपने लाजमी बॉडी के साथ लगाना है। अगर आप इसको बॉडी के साथ नहीं लगाओगे तो फिर ये स्पार्किंग नहीं करेगा, तो ये अर्थ आपने गीजर के बॉडी के साथ लाजमी लगा देना है, तो तब जाके जो है ये स्पार्किंग करेगा। तो इसका सिंपल कनेक्शन है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब खाली हमने इसको गीजर के साथ फिट कर देना है। इस साइड पे जो हमने पाइप लगाया है ये हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है। इस साइड से अगर हम इनपुट लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे गैस का वाल जो रबड़ है वो इस साइड से फिक्स हुआ है, तो यहां से ये प्रेशर रोक सकता है और इस साइड से प्रेशर नहीं रोक सकता, तो इसलिए ये हमारा इनपुट है ये आउटपुट है। तो अब जाके सिंपल हमने ये जो प्लेन बनाया था इस प्लेन के साथ हमने स्पार्किंग वाली जो तारे है इसको फिट करनी है। तो इसके लिए मेरे पास ये तीन फिने हैं, और ये स्पार्किंग की जो तारे होती है ये इसमें इस तरह लगती है। तो क्या करेंगे कि मैं इस तारों को जो है इस फिनों को जो है पहले इसके साथ फिट करूंगा। तो इसमें जो है मैंने इसमें इसके लिए थोड़ी सी जगह रगड़ाई कर देनी है ताकि ये इसके ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाए, फिर उसके बाद जो है नीचे से हम इसके साथ तारे लगाएंगे। तो ये वाला सेंसर आपने इस जगह पे लगा देना है जहाँ पे जो है आग चल रहा हो, तो किसी एक सुराख के सामने आप इसको इसी तरह लगा दे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तीनों पिन मैंने इसके साथ इस तरह क्लिप के जरिए लगा लिए हैं, और ये जो एल्बो है इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी कटिंग भी की है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अब हमने क्या करना है कि ये मैंने 7 इंच का जो एक साकट है उससे सर काटा हुआ है, तो इसको मैं इसके साथ यहाँ पे किसी तरीके से टांका लगा के वेल्ड करूंगा, और फिर जो है हम इसको गीजर में अंदर करके और इसकी चूड़ियां टाइट करेंगे, तो ये हमारा जो बर्नर है ये गीजर के अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह मैं इसके ऊपर यहाँ पे नीचे से एक दो टांके लगा के फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सारे चीजें कंप्लीट हो गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साकट का छोटा सा पीस जो है इसके साथ वेल्ड कर दिया है, और इसके साथ वो पीने भी मैंने आप लोगों के सामने लगा दी है, और नीचे इसके तारे भी लगा दी है। तो अब सवाल आता है कि इसको हम ऑन ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। ये सारी चीजें तो हो गई लेकिन ऑन ऑफ करने के लिए हमें लाजमी इसको ऑन करना पड़ेगा और फिर ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन चीज बता देता हूँ। इसके लिए आप इस तरह का इनक्यूबेटर का टेम्परेचर मॉड्यूल खरीद ले, और ये भी जो है तकरीबन 350 से 400 रुपए के आसपास है। इसमें जितने भी चीजें हमने लगाई वो सारे 350 से 400 रुपए की है। और इस टेम्परेचर मॉड्यूल के साथ हमें एक और चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि 100 रुपए का आपको ये मिलेगा। बूस्टर मॉड्यूल है, इसको हम 3.7 वोल्ट से यहाँ से इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे, तो इससे जो है हमें 12 वोल्ट करंट लेना होगा, तो क्योंकि हमारा ये जो टेम्परेचर मॉड्यूल है ये 12 वोल्ट के ऊपर चलता है। तो इसके साथ आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे जो है हमारे पास दो ज्वाइंट होते हैं और ये दोनों ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो जब ये दोनों ज्वाइंट लगे होते हैं तो ये डायरेक्ट आउटपुट 12 वोल्ट देता है। इसके ऊपर ये डायग्राम भी दिया हुआ है, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट आप इससे ले सकते हैं। अगर ये दोनों ज्वाइंट करोगे तो 12 वोल्ट ले सकते हैं, तो ये दोनों ऑलरेडी ज्वाइंट है इससे हम 12 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो इस टेम्परेचर मॉड्यूल में आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें खाली यहाँ पे 4 पॉइंट है। तो ये वाला जो छोटा सा किट है इससे जो आउटपुट दो तारे निकलती है इसका प्लस माइनस आपने सिंपल यहाँ पे इस साइड पे प्लस लगाना है और इस साइड पे माइनस लगा देना है, और ये जो हमारे पास दो और पॉइंट बचते हैं इन दोनों को सिंपल आपने इस किट की जो
स्विच का तार है इसको खोल के और इसमें आपने लगा देनी है। तो फिर आप अपनी मर्जी से इसमें जो भी टेम्परेचर सेलेक्ट करोगे तो उस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद आपका ये गीजर ऑटोमेटिक बंद होगा, और जब जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके गीजर को दोबारा ऑन करेगा। तो ये आपको पहली बार गैस का डिजिटल गीजर मिलेगा, जो कि इससे पहले किसी कंपनी ने भी डिजिटल गैस का गीजर नहीं बनाया होगा, क्योंकि जितने भी गैस के गीजर होते हैं उसमें थर्मोस्टेट होता है और इसी तरह डिजिटल थर्मोस्टेट वाला उसमें कोई भी नहीं होता। तो इसमें आप अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेलेक्ट करके और उस हिसाब से आप इसको गर्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका जल्दी जल्दी वायरिंग कर लेता हूँ और इसके साथ में इसकी तारे लगा के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर मॉड्यूल के साथ मैंने ये छोटा सा स्टिप अप मॉड्यूल लगा दिया है, और ये जो येलो तार है ये प्लस है और ये वाइट माइनस है। तो ये 12 वोल्ट पे हमारा चलता है और ये 3.7 वोल्ट के ऊपर मैं आप लोगों को अभी चला के दिखाता हूँ। तो वाइट के साथ मैंने ब्लैक तार लगा लिया और येलो के साथ मैंने रेड तार लगा लिया, और ये हमारा टेम्परेचर मॉड्यूल जो है आप लोगों के सामने ऑन हो चुका है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि इसमें ये हमारे पास जो दो पॉइंट बचे हैं इसमें मैं दो तारे लगा लेता हूँ, और हमारे जो हमारे इस किट के ये बटन वाले तारे हैं ये दो तारे मैं डायरेक्ट इसके साथ लगा लूंगा। तो इसके बीच में आप एक मैनुअल बटन वैसे भी लगा सकते हैं, अगर आप इसको परमानेंट बंद करना चाहते हैं तो आप उस बटन को बंद कर दें तो ये परमानेंट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास जो दो पॉइंट बचे थे इसमें मैंने यहाँ पे दो तारे लगा दिए हैं, और इसको मैं ऊपर से अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। और ये जो दो तारे हैं इसको हमने सीधा यहाँ पे स्विच वाले बटन पे ऑन ऑफ वाले इसके साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके साथ मैंने दो तारे लगा ली हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे चीजें मैंने आपस में जोड़ ली है। तो इस मॉड्यूल को ऑन करने के लिए मैंने ये दो तारे लगाई, और इन दोनों तारों को जो है मैंने सीधा यहाँ पे इस किट की जो पावर सप्लाई वाले तारे थे इसके साथ लगाई। तो अब जब हम इसको जैसे पावर सप्लाई देंगे तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारी ऑन होगी, और ये इसका टेम्परेचर सेंसर हो गया। तो ये टेम्परेचर सेंसर हम उसी जगह पे लगाएंगे गीजर में जहाँ पे हमको सबसे लास्ट में पानी गर्म होते हुए देखेगी, तो इसको हम सेंटर में लगाएंगे। और ये हमारी स्पार्किंग वाली हो गई। तो अभी मैं वैसे आप लोगों को एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस के साथ मैंने प्लस लगाया और माइनस के साथ मैंने माइनस लगाया, तो आप लोग देख सकते हैं सारे चीजें जो है ऑन हो गई है, ये भी ऑन हो जाता है और साथ में गैस का वाल भी टिक का आवाज करता है। तो अभी हमारा गैस का वाल ऑन हो गया, किट भी सारा चल रहा है, और अब हमने क्या करना है कि यहाँ से सिंपल हम टेम्परेचर सेट करेंगे, जो टेम्परेचर हमने यहाँ पे सेट किया तो उसी टेम्परेचर पे हमारा गीजर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा। और टेम्परेचर सेट करने का भी बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे सेट का बटन है आप इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये तो सारी चीजें हमारी तैयार हो गई है, अब मैं इसमें गीजर में फिट कर लेता हूँ और गीजर फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों गीजर में सामान फिट करने के लिए मैंने यहाँ पे पीवीसी के से यहाँ पे एक कवर बना लिया है इसके ऊपर इस तरह फिट करने के लिए। इसमें हमारा टेम्परेचर मीटर शो होगा और इसमें यहाँ पे जो है बटन शो होंगे, तो बटन जो है हम इस तरह किसी बारीक चीज पतले तीले वगैरह से दबाएंगे। तो इससे पहले जो है मैं इसको जल्दी जल्दी पेंट कर लेता हूँ और इसको भी मैं पेंट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है हम इसका फिटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों गीजर मेरा कलर हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, जो है साफ सुथरा कलर हो गया है, और अब जो है हमने इसमें फिटिंग करना है। तो जैसे कि आप लोगों ने शुरू में देखा था ये फ्लेम हमने बनाया था, तो सबसे पहले जो है मैंने इसमें ये फ्लेम फिट कर देना है, और इसके नीचे फेनू के जो सर निकले हुए हैं इसमें जो है फिर हम इस किट के ये जो तारे हैं ये नीचे से लगाएंगे। तो इसको इसमें फिट करना बहुत आसान है, सिंपल यहाँ पे जो है आपने 1/4 इंच की पाइप में जो चूड़ी है उसमें ये आपने टाइट कर देना है। तो इसकी चूड़ी मैंने इसमें एक दो चूड़ी टाइट कर दी है और ये इसमें अच्छी तरह से फंस गया है ये। और अब ये जो मैंने इसके लिए पीवीसी का कवर बनाया था इसको भी मैंने कलर किया था और ये अच्छी तरह इसका कलर सूख गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक दो पतरी वेल्ड करके और इसके साथ इस तरह पेच भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिलहाल जो है एल्फी के जरिए इसमें इस तरह लगाऊंगा। तो ये हमारा टेम्परेचर मॉड्यूल है, और इसके लिए मैंने ये ऊपर वाला सुराख किया है जिसमें ये टेम्परेचर के लिए ये तीन सुराखे हैं, और साथ में ये एक सुराख ये रिले का है क्योंकि ये रिले थोड़ा सा ऊपर है तो ये इसका है। तो ये इसमें इस तरह लगेगा और ये इसमें बिल्कुल पेक्स लगेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा टेम्परेचर वाली घड़ी हो गई और ये रिले हो गया, और इसमें ये जो छोटे छोटे सुराखे हैं ये बटन को प्रेस करने के लिए है। इस पे आप आराम से किसी तीली वगैरह के जरिए आप इसमें बटन प्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद इस सर्किट और इस सर्किट को चलाने के लिए हमारे पास ये जो 3.7 वोल्ट का सेल है इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सुराख भी की है, तो इस सुराख के जरिए जो है हम इसको चार्ज करेंगे। और इसके साथ ये मॉड्यूल आप लोग देख सकते हैं ये जो माइक्रो यूएसबी वाला चार्जर है उसके ऊपर ये चार्ज हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह फिट करूंगा और इस चार्जिंग वाला का जो ये चार्जर का जो सर है इसको मैं इस सुराख में निकाल लूंगा। तो ग्लू गन के जरिए मैं इन चीजों को फिक्स कर लेता हूँ। ये तीन सुराख है जो मैंने नीचे किए हैं ये इसकी वायरिंग के लिए किए हैं। तो ये चीजें सारी इसमें फिट हो गई है, और अब जो है मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो बैटरी के हमारे दो तारे हैं इसको हमने इसकी मेन कनेक्शन के साथ लगानी है। तो इसका जो माइनस तार है वो मैं इसके साथ डायरेक्ट लगा लेता हूँ, और जो प्लस तार है उसके लिए मैं इसमें एक बटन लगा लूंगा ताकि अगर हमने इसको परमानेंट बंद करना हो तो बटन के जरिए हम इसको बंद कर सके। तो यहाँ पे इसमें मैंने बटन के लिए भी एक सुराख किया है, इसमें मैं यहाँ पे बटन लगा लेता हूँ। और अब जो है मैंने सिंपल इसमें यहाँ पे ये जो आर्क वाला तार है इसको यहाँ से बाहर निकाल देना है,
और ये जो हमारा मैग्नेट वाल्व का तार है इसको भी बाहर निकाल देना है, क्योंकि मैग्नेट वाल्व जो है वो इसमें अंदर फिट नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने इसकी ये तारे यहाँ से बाहर कर देनी है। और अब जो है इसको हमने इधर इस तरह फिट कर देना है। तो मैं इसकी यहाँ से थोड़ा सा रंग हटा देता हूँ और इसको मैं एलपी के जरिए आरजे इसके ऊपर फिट कर लेता हूँ। और अगर आपने इसको पेक्स फिट करना है तो आपने इसके ऊपर कोई दो पथरी वेल्ड करके और साइडों से दो पेच लगा देने हैं। तो अभी मैं इसमें इसलिए पथरी वेल्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसको अंदर से हमने रंग किया हुआ है, तो फिर जो है उसका रंग जल जाएगा और पानी में जंग आना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर सेंसर एलपी के जरिए यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये हमें टेम्परेचर सेंस करके बताएगा और इसके साथ जो है ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ भी होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डबल टेप लगा लिया है और अब जो है मैं यहाँ पे इसके ऊपर एलपी लगा देता हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा सा एलपी लगा देता हूँ। ये जो है मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से फिट कर देता हूँ। तो ये एलपी के जरिए इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जो है लग गया है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास इसमें तीन मोटे मोटे वायर है और ये बच गए हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो एक अर्थ का वायर है ये भी मैंने निकाल दिया है, और एक गैस वाल का तार है ये निकाल दिया है। तो अर्थ का जो वाल है इसको मैं सिंपल यहाँ पे बॉडी के साथ लगाऊंगा, तो इसमें मैंने यहाँ पे इस साकेट में एक छोटा सा सुराख किया हुआ है और इसके ऊपर मैं एक पेच टेट कर लेता हूँ। अब इसमें हमारे पास ये जो तीन तारे हैं, इसमें ये वाला जो तार है लेफ्ट साइड वाला, ये हमारा फायर को सेंस करने के लिए है, तो इसको मैं यहाँ पे इस साइड पे लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है फायर सेंसर लगा हुआ है। और ये जो बाकी दो वायर है ये स्पार्किंग के लिए है, तो इसको एक मैं यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ और दूसरा इसमें लगा देता हूँ। तो ये हमारे स्पार्किंग की तारे लग गई, तो इसमें ये वायरिंग कम्प्लीट हो गया है। अब इसमें लास्ट में सिर्फ एक चीज रहता है, गैस का कनेक्शन। तो गैस का जो वाल है इसको हम यहाँ पे इस तरह लगा लेंगे साइड पे, और इसके साथ जो है एक पाइप लगा लेंगे और उस पाइप को हम इस एल्बो से थोड़ा सा दूर रख लेंगे। तो ये गैस का जुवाल है इसको मैं यहाँ पे अर्जी लगा देता हूँ, और इसके लिए भी आप इसके साथ पथरी वेल्ड करके और इसको आप पथरी के साथ पक्का लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास दो पाइप है जो कि गैस का हीटर होता है ये उसमें लगते हैं, तो ये लगभग 50 रुपए का मिल जाता है। तो ये मैंने एक इस तरह मोड़ा हुआ है और ये मेरे पास दो है, तो इसको हम इस वाल के साथ लगाएंगे और फिर हमने इसको इस बैंड में अंदर करना है। तो इसको जब इसमें गैस ऑन होगा तो वो इस पाइप के जरिए इसमें अंदर जाएगा, तो ये इसमें बहुत आसानी से फिट हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस नोजल में ये बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता है। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा टिफिन टेप लगा लेता हूँ और इसको मैं इसमें टाइट कर लेता हूँ। वैसे इसमें चूड़ी नहीं है, ये बगैर चूड़ी का जब आप इसमें टाइट करोगे तो ये इसको इसमें बगैर चूड़ी का भी टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसमें वाल लगा दिया है और ये वाल भी मैंने अभी इसमें अर्जी फिट किया है, क्योंकि अभी जो है ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इस तरह जो है आपने इसमें पक्का फिक्स कर देना है। और अभी जो है मैं यहाँ पे जेट लगा देता हूँ, तो इसमें एलपीजी के लिए एलपीजी का जेट लगाना है और सुई गैस के लिए सुई गैस का जेट लगाना है, क्योंकि एलपीजी का जो जेट होता है उसका सुराख बारीक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गीजर जो है तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये तीन तारे जो है इसके साथ लग गई और ये वाल मैंने यहाँ पे अर्जी लगा दिया, इसका पाइप आ गया और इसके साथ यहाँ पे जेट लगा हुआ है। तो ये जेट आपने पाइप से इतना बाहर लगा देना है ताकि ये अपने साथ ये ऑक्सीजन भी अंदर की तरफ खींचता रहे, तो तब जाके आपका जो आग है वो अच्छी तरह से और ज्यादा हीट अप करेगा। तो अब सिंपल हमने एक यहाँ पे पाइप लगा देना है और एक यहाँ पे लगा देना है। तो इस साइड पे ये मैं नोजल लगा देता हूँ और नोजल के साथ मैंने एक बारीक पाइप लगाया हुआ है इसको टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें इस बारीक पाइप के जरिए जो है हम इसमें पानी एंटर करेंगे। और गर्म पाइप के लिए जो है मैं एल्बो एक एल्बो और एक टूटी साथ में लगा देता हूँ। तो इसका फिटिंग हो गया है और अब जो है हम इसको टेस्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं अर्जी दीवार पे लगा देता हूँ और इसका नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाएंगे और इसके ऊपर पूरा जो है हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके साथ छोटा सिलेंडर गैस का भी लगा दिया है और साथ में जो है इस साइड में पानी का कनेक्शन भी लगा दिया है। तो इसमें मैं पानी ऑन कर लेता हूँ, जब हमारा सिलेंडर भर जाएगा तो उसके बाद जो है मैं इसका बटन ऑन करूंगा। तो यहाँ से मैं वाल खोल लेता हूँ, जैसे ही इस टूटी से पानी निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिलेंडर फुल हो चुका है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसका बटन ऑन करूंगा और वाल बटन ऑन करने के बाद जो है हमारा गीजर जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसके ऊपर कोई सेफ्टी वाल नहीं है क्योंकि ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और आप अगर कोई भी गीजर लगाना चाहते हैं या खुद बनाना चाहते हैं तो सेफ्टी वाल का लाजमी ख्याल किया करें, क्योंकि उसके बगैर जो है आपका गीजर फट भी सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गीजर हमारा फुल हो गया है और अभी मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं गीजर जो है हमारा ऑन हो चुका है और इसका 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और मैं आप लोगों को इसकी अंदर जो आग है वो भी दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को इसका अंदर आग नजर आ रहा है, इस तरह का जो है ब्लू फ्लेम है इसका। और अभी मैं आप लोगों को इसका टाइमिंग भी बता देता हूँ कि कितनी देर में जो है ये 15 लीटर का पानी गर्म करके देगा। अभी जो है इसमें 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर है, क्योंकि पानी जो है काफी ठंडा है। और इसका टेम्परेचर सेट करने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे सेट पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह ब्लिक करना शुरू कर देगा। तो यह 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट हुआ है, तो अगर आपने इसको कम ज्यादा करना है तो यहाँ से आप इसको कम और यहाँ से आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 23 डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि इसका टेम्परेचर सेंसर नीचे है, और यहाँ पे जो है ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया है। तो पानी का जो हीट अप है वो सारा ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए जो ऊपर का पानी है वो ज्यादा गर्म है और नीचे का पानी जो है अभी 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर सेंसर बहुत नीचे लगाया हुआ है,
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। तो ये बहुत जल्दी आपको गर्म पानी देता है, जैसे कि आप यहाँ से सेंस कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर इसका ऊपर कितना गर्म हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और ये अभी भी 24 पे खड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह टेम्परेचर खराब है, बल्कि पानी जितना भी गर्म हो रहा है वो सारा ऊपर की तरफ दस्ती आता है और ठंडा पानी नीचे स्टोर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 मिनट में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर पहुंच गया है। और यहाँ से हाथों में पानी निकालने से भी पता चल जाता है कि पानी जो है काफी गर्म है, हाथ जो है इससे जल जाते हैं। तो इस और थोड़ी देर और सबर कर लेते हैं कि हम इसका ऑटोमेटिक सिस्टम चेक करते हैं कि क्या ऑटोमेटिक तरीके से ये ऑफ होता है या नहीं। तो यहाँ पे 40 तक टेम्परेचर पहुंचने के बाद जो है हमारा पानी का रियल टेम्परेचर जो है वो 64 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे इसमें जो लाइट था वो भी आप लोगों के सामने इसमें बंद हो चुका है। तो जैसे ही टेम्परेचर 40 से दोबारा डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको बेशक आप ऑन ऑफ किया करो, ये ऑन नहीं होगा। यहाँ से गैस का वाल्व भी ऑन है और यहाँ से बटन भी ऑन है। ये ऑन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है पूरा हो चुका है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोबारा से तो ये फिर से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोबारा से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया है और इसका आग जो है वो जलना शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से फिर से स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप एक प्रॉपर ऑटोमेटिक गैस गीजर बना सकते हैं। और आप सब लोगों की कमेंट की वजह से मैंने इतना मेहनत किया और इस तरह का गैस गीजर तैयार किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद दिया गया होगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में इंसुलेशन के अलावा कोई और कमी नजर आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंसुलेशन की भी आप लोगों को वीडियो बना के तरीका बताऊंगा कि किस तरह आपने इसका प्रोफेशनल इंसुलेशन करना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।